गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं स्टैंडर्ड थर्ड जीके यूनिट 5 एंड 6। दिस इज वर्कशीट वीडियो। तो आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड की यूनिट 4 वर्कशीट वीडियो है। तभी आपको क्या करना है, ध्यान से केवल सुनना है और समझने की कोशिश करनी है, अभी आपको लिखनी नहीं है। ओके, तो इसमें आपका जीके में इस बार 5 सेक्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट सेक्शन आएगा एमसीक्यू का। ओके, तो आपके एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन रहेंगे, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, तो जो सही है उस पर आपको टिक लगानी है। ऐसे 1 से लेकर 15 तक रहेगा आपका फर्स्ट सेक्शन। अब उसके बाद आपका सेकंड सेक्शन आता है फिल द ब्लैंक्स। आप फिल द ब्लैंक्स देख रहे हैं, यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपकी ऑप्शन रहेगी, उसके बाद आपको खाली जगह पे यहाँ पे फिलअप करना है। ओके, तो ये भी आपका 1 से लेकर 15 तक है। फिर थर्ड होगा, थर्ड यहाँ पे राइट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपके ट्रू और फॉल्स है। फिर आपका सेक्शन 4 में आएगा मैचिंग द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैच करना है क्वेश्चन को, मैच करना। और आपका 5 सेक्शन में रहेगा राइट आंसर इन 1 वर्ड। ओके, तो यहाँ पर आपको 1 वर्ड में आपको आंसर लिखनी है। तो आपका ये 1 से 10 तक का रहेगा। ये सारी आपकी बुक्स की है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। ओके, तभी हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं, इंडिया हैज इट्स फिल द ब्लैंक्स आर्म फोर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 एंड सी 4, डी 5। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन बी आपका 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका है, द शो कमांड्स ऑफ द आर्मेड फोर्स लाई विद द फिल द ब्लैंक्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, बी गवर्नर, सी ए प्रेसिडेंट और डी ए डिफेंस मिनिस्टर। ओके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। ओके, तो आपको प्रेसिडेंट में इस तरह से टिक लगानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया इज। अब इंडिया का स्मॉल स्टेट कौन सा है, राजस्थान, खड़गपुर, उत्तर प्रदेश या फिर गोवा। तो आपको पता है खड़गपुर भी बहुत बड़े स्टेट है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़े, राजस्थान भी, तो सबसे स्मॉल इसमें आता है गोवा। ओके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोवा। क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पे गिव द इज ए फ्रॉग डांस ऑफ फिल द ब्लैंक्स। तो ए है पंजाब, बी असम, गुजरात एंड डी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए पंजाब। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, बीयू फॉग डांस इज फ्रॉम, बीयू जो डांस है वो कहाँ का है, तमिलनाडु, बी असम या फिर पंजाब या फिर उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। फिर क्वेश्चन 6 है आपका यहाँ पे, जज एंड डांस इज फ्रॉम, ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी बिहार। 7 है, लिट्टी चोखा इज ए फेवरेट डिश ऑफ, अब लिट्टी चोखा कहाँ की फेवरेट डिश है, ए वेस्ट बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। इसमें भी हो जाएगा राइट आंसर डी बिहार। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, जयपुर इज नो एज फिल द ब्लैंक्स, सिटी ऑफ फेस्टिवल, सिटी ऑफ लेक, पिंक सिटी। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी पिंक सिटी। ओके, हम जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, सुनील मित्तल इज द CEO ऑफ फिल द ब्लैंक्स, वोडाफोन, रिलायंस आइडिया या फिर एयरटेल।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी एयरटेल। ओके, एयरटेल पे इस तरह से हमको टिक लगानी है। फिर ऑप्शन सॉरी फिर क्वेश्चन 10 देखेंगे। भगत सिंह इज कॉल्ड, भगत सिंह को कौन से नाम से बुलाते हैं? बापू, माही, गुरु देवता। आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, यान फेस्टिवल इज फ्रॉम, फिल द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, इंडोसिया भी नहीं होगा तो आपको ऑप्शन डी पे लगानी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे अभी। क्वेश्चन 12 है, फिल द ब्लैंक्स इज द प्लेस ऑन द अर्थ इन इंडिया। तो माउंट एवरेस्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 देखेंगे। लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, जब स्टेट का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? राजस्थान, खड़गपुर, उत्तर प्रदेश, गोवा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान। फिर क्वेश्चन 14 है, फिल द ब्लैंक्स इज द डिश ऑफ वेस्ट बंगाल। भेलपुरी, भेलपुरी, ढोकला, सैंडविच एंड। ओके, तो आपका लास्ट आंसर हो जाएगा संदेश। ओके, वेस्ट बंगाल की फेमस स्वीट से ये संदेश। तो डी बी हो गया। अभी हम 15 क्वेश्चन देखेंगे। 15 क्वेश्चन क्या है? इट इज कॉल्ड द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। कौन सा सिटी हम गार्डन सिटी बोलते हैं? इंडिया का गार्डन सिटी कौन सा है? कोलकाता, बेंगलोर, जयपुर या फिर कोची। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, तो आपको सी में इस तरह से टिक लगानी है। अभी 4 नंबर देखेंगे, सॉरी सेक्शन 2 देखेंगे, फिल द ब्लैंक्स। तो ये आपको फिल द ब्लैंक देखेंगे। फिल द ब्लैंक्स में ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको इसको ही देखकर सही जगह पे डालनी है। ओके, तो ये आपका फिल द ब्लैंक्स इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। तो आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान आपका क्या हो जाएगा? सही फिल द ब्लैंक्स में आएगा। ओके, तो सेकेंड है, फिल द ब्लैंक्स इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया। तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओके, फिर सेकेंड में आपसे पूछता है लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन, फिल द ब्लैंक्स इन इंडिया। ओके, तो जामा मस्जिद। फिर फोर्थ है, फिल द ब्लैंक्स इज द लार्जेस्ट स्कूल इन इंडिया। वो स्कूल का इंडिया का सबसे बड़ा स्कूल कौन सा है? साउथ पॉइंट स्कूल। ठीक है, फिर फिल द ब्लैंक फिफ्थ नंबर देखेंगे, फिल द ब्लैंक्स इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चिल्का। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यहाँ पे सुंदरबंस इज द लार्जेस्ट डेल्टा। ओके, फिर 7 है, फिल द ब्लैंक्स इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। क्वेश्चन नंबर 8, फिल द ब्लैंक्स इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो यहाँ पर हो जाएगा जू फॉल्स। 9 है, फिल द ब्लैंक्स इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया। तो क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी सेतु। 10 नंबर है, फिल द ब्लैंक्स इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो यहाँ पे हो जाएगा खड़गपुर। ओके, फिर 11 है, फिल द ब्लैंक्स इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। ओके, फिर 12 है, यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स रिलेटिव टू नेवी। फिर 13 है, फिल द ब्लैंक्स रिलेटिव टू आर्मी। तो यहाँ पे हो जाएगा जनरल। फिर यहाँ पे 14, फिल द ब्लैंक्स रिलेटेड टू एयर फोर्स। यहाँ पे हो जाएगा एयर चीफ। क्वेश्चन 15 है, फिल द ब्लैंक्स इज द पॉपुलर फूड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु का पॉपुलर फूड कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा डोसा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेक्शन हमारा थर्ड, राइट और फॉल्स। तो यह फर्स्ट क्वेश्चन है, संदेश स्वीट्स रिलेटिव टू वेस्ट बंगाल। तो यस ट्रू। सेकेंड है, भेलपुरी इज ए पॉपुलर फूड ऑफ बिहार। तो नो फॉल्स।
आपने पढ़ा था अभी बिहार का फेमस कौन सी फूड है, यहाँ भेलपूरी लिखी हुई थी तो फॉल्स होता है। फिर यहाँ पे इडली सांभर इज ए पॉपुलर फूड ऑफ कर्नाटक, अब कर्नाटक का फेमस इडली सांभर रहता है, यस ट्रू। फिर फोर्थ है ढोकला इज फेमस इन पंजाब, अब जो ढोकला है वो पंजाब की फेमस है या फिर आपको पता है कि गुजरात की है। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉल्स। फाइव है लिट्टी चोखा इज ए पॉपुलर डिश इन बिहार, तो यस ट्रू। क्वेश्चन नंबर सिक्स है दाल बाटी चूरमा इज ए कॉमन फूड इन राजस्थान, दाल बाटी चूरमा कॉमन फूड है राजस्थान का, तो यस ट्रू, दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर सेवन, यहाँ पे इज अ पॉपुलर इन महाराष्ट्र, तो यस फॉल्स। फिर एट है नीलगिरिस हिल्स ब्लू माउंटेन, तो यस ट्रू। कोलकाता इज द कॉल्ड सिटी ऑफ लेक, तो नो फॉल्स। क्वेश्चन टेन है उदयपुर इज कॉल्ड सिटी ऑफ प्लेस, तो यस फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। फिर इलेवन है बेंगलोर इज कॉल्ड गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, तो यस ट्रू। ट्वेल्व है गेटवे ऑफ इंडिया इज इन मुंबई, तो यस ट्रू। फिर थर्टीन है कोलकाता इज ए लैंड्स ऑफ फाइव रिवर्स, तो नो फॉल्स। फोर्टीन है जयपुर इज कॉल इट पिंक सिटी, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, तो यस ऑफकोर्स ट्रू। फिर फिफ्टीन है कोची इज द कॉल्ड क्वीन ऑफ द सी, तो यस ट्रू। ओके तो आपका यहाँ पे सेक्शन थर्ड भी खत्म हुआ, अभी आपका सेक्शन फोर है मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आपको मैच करना है। ओके अब बीहू आपको पता कहाँ की फेमस है डांस, असम, तो इस तरह से आपको मैच करना है। फिर ये हो जाएगा आपका उड़ीसा से। ओके फर्स्ट आपका बीहू का ये वाला हो जाएगा असम, सेकेंड है यहाँ पे। ओके फिर थर्ड है पंजाब का, ये हो जाएगा पंजाब, तमिलनाडु, फिर डांडिया कहाँ का फेमस है, गुजरात का। ओके फिर ये मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, जिस तरह से आपको मैच करना है। फिर घूमर राजस्थान, राजस्थान भी यहाँ ऊपर में है। फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश का तो हो जाएगा यहाँ पर। ओके तो इस तरह से आपको इसको मैचिंग करना है अपनी पेंसिल से। फिर क्वेश्चन वन है द मतलब आपका सेक्शन फाइव है, यहाँ पे राइट आंसर इन वन वर्ड, आपको यहाँ पे वन वर्ड में आंसर देना है। ओके तो आपका फर्स्ट है द फाउंडर सीईओ एंड डायरेक्टर ऑफ इन्फोसिस, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एन डॉट आर नारायण। ओके तो ये आपका राइट आंसर होगा, मदर टेरेसा नहीं होगा। फिर आपका सेकंड है द नन हु वाज द अवार्ड नोबेल पीस प्राइज, तो यहाँ पे किसको मिला था, मदर टेरेसा को। ओके फिर यहाँ पे थ्री है द क्वीन ऑफ सिंगिंग, सिंगिंग की क्वीन कौन है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लता। ओके फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ऑफ इंडिया, तो हो जाएगा आपका। फिर फाइव है, अब यहाँ पे फाइव है ध्यानचंद ऑफ इंडिया, किसके प्लेयर है ये, सचिन तेंदुलकर या फिर हॉकी, तो यहाँ पे हो जाएगा हॉकी। ओके सिक्स है ब्लैक प्रेस एज, यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका। सेवेंथ है लिटिल मास्टर इन नो एज, तो सुनील गावस्कर। ओके क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन एट है फ्लाइंग सिख इज नो एज मिका सिंह, योर राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, मास्टर ब्लास्ट इज नो, मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसको जानते हैं, सचिन तेंदुलकर को या फिर विराट कोहली को? तो यहाँ पे हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। ओके, फिर 10th है यहाँ पे, तो आपका 10 का हो जाएगा थाईलैंड, और तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपकी वर्कशॉप वीडियो समाप्त होती है। अब आप इसको अच्छे से देख कर याद कर लीजिएगा। ओके, वन टाइम लिख कर अच्छे से याद कीजिएगा कि आप एग्जाम अच्छे से दे सके। ओके, सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।